मुझसे गलती हो गई वकील साहिबा। गलती हो गई मतलब? जी कार सम्मान चौधरी ही चला रहे थे। आपकी मौत का जिम्मेदार वो अमरनाथ, और आपकी मौत का बदला लिए बगैर तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अमरनाथ, तेरे और तेरे पूरे परिवार के दिन अब खत्म। अच्छा तुम कल कोर्ट में सब कुछ बताओगे ना, सब बोलोगे ना, जो जो देखा है, जो तुमको मालूम है। बंटी, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेस सिंथिया चौधरी की मौत के जिम्मेदार मिस्टर सुजीत नहीं है। लेकिन इन्होंने अदालत में झूठा इकबालिया बयान देकर पुलिस और कानून को गुमराह करने की कोशिश की, लिहाजा ये अदालत उन पर नए सिरे से मुकदमा दायर करने का हुक्म देती है। एक मिनट जज साहब, वो सब तो होता रहेगा, लेकिन अगर एक गुनहगार का जमीर जाग उठे और वो सच बोलना चाहे तो उसे सुनने का क्या आदत नहीं रह गया आप लोगों को? किसी के झूठ को नकार दें तो उसे इतना तकलीफ नहीं होता है, लेकिन उसके सच को आप कबूल ना करें इस बात का तकलीफ होता है। जज साहब, ये न्याय कर रहे हैं आप, ये फर्ज है आपका। मिस्टर सुजीत, मेरा फर्ज क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप पहले ही अदालत का बहुत वक्त जाया कर चुके हैं। मिस्टर भोंसले, मिस्टर सुजीत को अदालत के बाहर ले जाइए। देखिए, एक मिनट बात करने दीजिए, हम आपको डिटेल में समझाते हैं ना, हम आपको बता रहे हैं ना कैसे हुआ सब कुछ। अरे काहे बेगुनाह आदमी को फंसाना चाहते हैं आप लोग? ऑर्डर, मिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू मे प्रोसीड फर्दर। सुजीत बाबू, अगली बार अगर दूसरों की सजा भुगतने का शौक चढ़े तो प्लीज ये सब मेरे इलाके में मत कीजिएगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम मेरी ही लॉकअप में पहुंच गए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपके साथ का तो हमें जरूरत है ही नहीं देविका जी। जहां आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए था, वहां आप हमारे अगेंस्ट हो गई। कोई कसर नहीं छोड़ा आपने हमें हराने में। आपने फिर साबित कर दिया देविका जी कि हम गाड़ी के वो दो पहिए हैं जो कभी साथ चल ही नहीं सकते। सुजीत जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मुझसे? मैंने वही किया जो आपके लिए सही था। आप क्या चाहते हैं, वहां बैठ के मैं तमाशा देखूं कि आप किसी और की गुनाह की सजा भुगतने वाले? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ सुजीत जी? You know how much I love you. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार का मतलब समझती हैं क्या आप? प्यार का मतलब समझती हैं? पाने को प्यार समझती हैं, जीतने को प्यार समझती हैं, अपनी सेफ्टी को, अपनी खुशियों को आप प्यार समझती हैं देविका जी? प्यार ये नहीं होता, डेफिनेशन से क्या ये फर्क तो प्यार का? सुजय जी, सर 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 आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सर सर हटिए, एक मिनट सर। मैं जानता हूँ सुजय जी, आपकी नाराजगी और आपका गुस्सा मुझे शायद जिंदगी भर सहना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इस बात की तसल्ली रहेगी कि मैंने सच का साथ दिया, अपनी आवाज उठाई, और ये बात आज नहीं तो कब आप समझ ही जाएंगे। आप गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। हम कसम खाते हैं, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे। जिस रात मिसेस सिंथिया चौधरी का एक्सीडेंट हुआ आप कहाँ थी? जी, हम सम्मान के साथ एक बिजनेस डिनर के लिए मचान रेस्टोरेंट गए थे। और डिनर खत्म होते ही आप दोनों मिसेस सुजीत के साथ मिस्टर सम्मान की गाड़ी में घर जाने के लिए निकले, राइट? जी। और फिर मिस्टर सम्मान ने गाड़ी शुरू की? जी। तो मिस्टर सुजीत ने मिस्टर सम्मान से ड्राइविंग का चार्ज किस पॉइंट पर लिया? जी जो ने मिस्टर सुजीत ने गाड़ी नहीं चलाई। आई एम सॉरी, मिस्टर सुजीत ने गाड़ी नहीं चलाई, यही कह रही हैं? जी। व्हाट डू यू मीन? जी, उन्होंने गाड़ी ड्राइव नहीं की क्योंकि सम्मान खुद ही ड्राइव कर रहे थे। आप ये कहना चाहती हैं बेसिकली कि जिस गाड़ी से मिसेस सिंथिया टकराई थी वो मिस्टर सम्मान चला रहे थे? जी, सम्मान ही गाड़ी चला रहे थे। अचानक पता नहीं कहां से सिंथिया दीदी हमारी गाड़ी के सामने आके
सम्मान ने ब्रेक लगाने की कोशिश भी की थी लेकिन ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जज साहब झूठ बोल रही है ये लड़की, ये अपने जीजा को बचाने के लिए मेरे बेटे को फंसाना चाहती है। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। मिस्टर शोरी अपने क्लाइंट से कहिए कि बैठ जाए। या आप बैठ जाइए। नहीं काकू, मेरा मेरा गुनाह सबके सामने आना ही होगा काकू, सबको असलियत का पता चलना होगा काकू, मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगा। हम भी तो यही चाहते हैं सब। काकुल सबकी कस्मों की वजह से, सबकी प्रेशर की वजह से हो सकता है कि मैं कोर्ट में अपना गुनाह कबूल ना कर पाऊं, मगर तुम तो सच बोल सकती हो। तुम तो ये कह सकती हो कि मैं गाड़ी चला रहा था, सिंथिया भाभी की मौत का जिम्मेदार मैं था। तुम ऐसा कहोगी ना काकुल? काकुल मैं सच नहीं जी पाऊंगा, तुम्हें मेरे लिए ऐसा कहना होगा काकुल। काकुल तुम बोलोगी ना काकुल? प्लीज काकुल। मिस काकुल आपने सच बोलने की कसम खाई है। जी हम सच ही बोल रहे हैं। उस वक्त सम्मान ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, पता नहीं कहां से अचानक सिंथिया दीदी हमारी गाड़ी के सामने आ गई। हमें नहीं पता था कि वो सिंथिया दीदी है। वो तो एक औरत को घायल देखकर सम्मान घबरा गए थे, इसलिए हम डरकर वहां से भाग गए। योर ऑनर, क्या अभी मुझे कुछ कहने की जरूरत है? योर विटनेस प्लीज। कंग्रेचुलेशंस मिस काकुल। कंग्रेचुलेशंस किस लिए? आपका प्लान कामयाब हो गया और आप पूछ रही हैं कि कंग्रेचुलेशंस किस लिए? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर शौरी सडनली किस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं? मिस्टर शौरी आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। योर ऑनर, मिस काकुल जितनी सच्ची और भोली होने का दावा कर रही हैं उतनी है नहीं। असली बात तो यह है योर ऑनर कि मिस काकुल ने मिस्टर श्लोक वर्मा और मिस वंशिका सक्सेना से हाथ मिला लिया है, इसीलिए मिस काकुल को मिस्टर सम्मान से बदला लेने का मौका मिल गया और इसीलिए मिस काकुल ने मिस्टर सम्मान के फेवर में नहीं बल्कि उनके खिलाफ बयान दिया। एंड आई एम श्योर इनके इकबाले बयान को सुनकर मिस सिमी आहूजा भी अचंभे में रही हो। एम आई राइट मिस सिमी आहूजा? एनीवे, सच तो यह है योर ऑनर कि मिस्टर सम्मान से शादी के बाद इन पर हुए हर जुल्म हर अन्याय का हिसाब मांगना चाहती थी, जो शायद इनका ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ। ये सच नहीं है योर ऑनर। यही सच है, यही सच है। अगर ये सच नहीं है तो क्या सच है? ये सच है कि सम्मान से शादी के बाद आपको कोई प्यार नहीं मिला, जिसकी वजह से आपने सम्मान को तलाक दे दिया। या फिर ये सच है कि अंश वर्मा जो श्लोक वर्मा के छोटे भाई हैं उनसे आपकी शादी होने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर मिस्टर सम्मान वहां पहुंच गए और जबरदस्ती इन्हें वहां से लेकर चले गए, जिसके शौक में इनके मंगेतर पागल हो गए और तभी से इन्होंने ठान लिया कि उसके पागलपन और उनकी बेइज्जती का वो सम्मान से बदला लेकर रहेंगी। और आपने मिस्टर सम्मान से प्यार का नाटक किया और मिस्टर श्लोक और मिस वंशिका की मदद ली। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने बिल्कुल ऐसा ही किया है मिस काकुल। आपने मिस्टर सम्मान के साथ साजिश रची और आपने मिस्टर सम्मान को वंशिका के बिजनेस डील को एक्सेप्ट करने के लिए मना लिया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया योर ऑनर। आपने बिल्कुल वैसा ही किया है, वरना मिस्टर सम्मान और वंशिका के पुराने रिश्ते को जानकर भी आपने सम्मान को ये डील एक्सेप्ट करने के लिए कैसे मजबूर किया? क्योंकि आप जानती थी कि सम्मान आपकी बात को नहीं टालेगा और बिल्कुल वैसे ही हुआ योर ऑनर, बिल्कुल वैसे ही हुआ। सम्मान ने इनकी बात को नहीं टाला और उस डील को एक्सेप्ट कर लिया और आपके प्लान के मुताबिक आप मिस्टर सम्मान के साथ मचान रेस्टोरेंट चली गई, क्योंकि आपका सारा प्लान मिस्टर सम्मान को मारने का था और आपकी घिनौनी साजिश नाकाम हुई और बेचारी सिंथिया चौधरी इस साजिश का शिकार हुई, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उस रात आपका प्लान फ्लॉप हो गया। तो आपने यह तय कर लिया कि सम्मान को आप कोर्ट में सबके सामने सिंथिया के मर्डर केस में फंसाएंगी और आपका बदला पूरा हो जाएगा। ऐसे नहीं तो वैसे हैं? लेकिन आज ये बयान देकर आपने ये साबित कर दिया है
क्या प्रोसिक्यूशन की तरफ से और कोई गवाह नहीं है? यस योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं एक ऐसे गवाह को बुलाना चाहूंगी जिसने अपनी माँ के एक्सीडेंट को खुद अपनी आंखों से होते हुए देखा है। ऑर्डर, ऑर्डर। मैं बात कर रही हूँ लेट मिसेस सिद्धिया चौधरी के बेटे मास्टर संचित आका बंटी चौधरी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। और इजाजत है। बंटी बेटा, ये कोर्ट आपसे जानना चाहती है कि जिस रात आपकी मामा का एक्सीडेंट हुआ था, आपने वहां क्या देखा? बताओ बेटा। बोलो ना। आई हेट यू। व्हाट? मैंने बोला ना, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। क्या हो गया बेटा? मैं हूँ, आपके पापा यहाँ हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट काम डाउन। ओके, आप मेरे और पापा के बीच में क्यों आ रहे हो? आप मेरी मम्मा की जगह कभी भी नहीं ले सकती। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस साहूजा, क्या ये बच्चा टेस्टिफाई करेगा या नहीं? इट्स नथिंग रियली योर ऑनर। आई थिंक कि कोर्ट का माहौल देखकर बंटी घबरा गया है और कुछ नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमें एक छोटा सा ब्रेक सैंक्शन कर दें ताकि मैं बंटी से बात कर सकूं। प्लीज। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस आहूजा ब्रेक मांगकर कोर्ट का समय बर्बाद करना चाहती। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर शोरी, बच्चे की कम उम्र हालात को ध्यान में रखिए और फिर ऑब्जेक्शन दीजिए। ये अदालत आधे घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं सिमी आंटी की कोई बात नहीं मानूंगा। आई हेट हर। अरे क्या पागल बनी है, तुमको पता भी है क्या बोल रहे हो तुम? हाँ पता है, न्यूज़पेपर में छपा था कि आप और सिमी आंटी शादी करने वाले हैं और मेरे लिए एक नई मम्मी लाने वाले। क्या बकवास है, कहाँ पढ़ा तुमने, किसने कहा तुमसे ये? स्कूल में सारे फ्रेंड मुझे और सोनिया को चढ़ा रहे थे। मुझे नई मम्मा नहीं चाहिए, मेरी मम्मा भगवान जी के घर चली गई है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बंटी, ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो, तुम समझे? डॉक्टर ऋषभ, प्लीज लेट मी टॉक टू हिम। मंटी बेटा, मंटी बेटा, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनना प्लीज। पेपर्स में तुम्हारे पापा और मेरे बारे में जो कुछ लिखा है गलत है, झूठ। वो झूठ नहीं है, आप भी झूठी हैं। बंटी, प्लीज, प्लीज। बच्चे, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, मुझे नहीं शादी करनी है आपके पापा से, नहीं बनना आपका मामा। ओके, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने आपकी मामा को हर्ट किया है उन्हें मैं पनिश करूं। या? आपकी मामा बहुत अच्छी थी ना बेटा, आपके पापा भी अच्छे हैं, आपसे सब कुछ शेयर करते हैं। तो आप ही बताइए, ऐसी कोई बात होती तो क्या आपके पापा आपको बताते नहीं? बंटी, तुम्हारे मामा के जाने के बाद मुझे भी उतना ही दुख हुआ है जितना तुम्हें हुआ है। मैं भी अकेला पड़ गया हूं, बहुत मिस करता हूं मामा को तुम्हारी तरह। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं उनको भुला कर किसी और से शादी कर लूंगा? हा? मैं नहीं भुला सकता हूं तुम्हारी मामा को, आई लव हर। बंटी बेटा, ट्रस्ट मी, आपकी मामा की जगह कोई नहीं ले सकता। ओके, ओके, आप दोनों को मेरे सामने गॉड प्रॉमिस खाना होगा, आप दोनों एक दूसरे से कभी शादी नहीं करोगे। ओह माय गॉड, क्या हो गया है इसको? अच्छा ठीक है, किया प्रॉमिस। ओके, ऐसे नहीं, क्रॉस योर हार्ट फिर प्रॉमिस लीजिए। ओके, आई
क्रॉस माई हार्ट, मैं सिमी आंटी से शादी नहीं करूंगा कभी। और कुछ? कि मैं आपके पापा से, डॉक्टर ऋषभ से कभी शादी नहीं करूंगी। okay. भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा बच गया। अगर उस दिन मेरे बेटे की शादी तुम्हारे साथ हो जाती ना, तो मेरा बेटा जिंदगी भर पछताता कि उसकी शादी उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ हो गई। कहाँ जा रही है? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। क्या बात है, मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही हो? तुम्हारी असलियत जो सामने आ गई। काकुल, तुम सारी दुनिया को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। चाहे तुम श्लोक के साथ या चाहे वंशिका से हाथ मिलाओ। मैं आता जरा। तुम मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें ऐसे करने नहीं दूंगी। माँ, आप जानती भी हैं काकुल ने जो किया, क्यों किया, किसके कहने पर कहा, आप जानती भी हैं कुछ? हाँ हाँ, मुझे भी तो पता चले कि क्यों इसने ऐसा कहा। बताओ भाई, बताओ ना। और सम्मान, इसने तुम्हें ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाया है कि तुम आज तक इसी के गुण गा रहे हो? आप कुछ भी बोलती जा रही। काकुल की दूसरी हेयरिंग शुरू हो गई है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तो भगवान ही तुम्हें बचाएगा। योर विटनेस मिस्टर शोरी। हेलो बेटा, अब तो डर नहीं लग रहा है ना, अब तो ठीक हो ना? अच्छा, ये जो आंटी बैठी हैं, बहुत अच्छी आंटी हैं। तुम उन्हें पसंद करते हो, उनकी बात मानते हो ना? ये बताओ कि अभी कुछ देर पहले तुमने ये क्यों कहा कि यू हेट हर? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर शोरी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर, इस सवाल का इस केस से ताल्लुक है योर ऑनर, बिल्कुल है। इस गटगरे में खड़े रहकर जो भी बातें होती हैं उसका केस से ताल्लुक होता ही है। पर्सनल बातों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मिस सहूजा, आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि वकील और क्लाइंट के बीच कुछ पर्सनल नहीं होता, नहीं होना चाहिए, वरना कानून का मजाक हो जाता है। योर ऑनर, बातें घुमाकर ये कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। वो बच्चा घबराया होता, घबराहट में उसने जो कुछ कहा वो कहा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसी को सच मानकर चले। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ योर ऑनर कि बंटी के प्रीवियस स्टेटमेंट को कोर्ट के रिकॉर्ड से मिटा दिया जाए, क्योंकि बंटी का एक्चुअल ऑफिशियल स्टेटमेंट रिसेस के बाद ही शुरू हुआ था। मिस सहूजा, बंटी का बयान उसी वक्त शुरू हो गया था जब आपने बंटी को बतौर विटनेस इस कटघरे में खड़ा किया था, एंड उस वक्त उसने आपसे ये कहा था कि आई हेट यू। लिसन मिस्टर शोरी, शायद आप ये भूल रहे हैं कि कोर्ट की कार्रवाई अब भी जारी है और मैं यहाँ पर फैसला लेने के लिए बैठा हूँ। आप दोनों को जो कुछ भी कहना है कोर्ट से मुखातिब होकर कहिए। अगर आपस में ये आर्ग्यूमेंट करना है तो प्लीज कोर्ट के बाहर जाइए। सॉरी योर ऑनर। ये अदालत रिसेस से पहले दिए गए बंटी के बयान को रिकॉर्ड में से रद्द करने का हुक्म देती है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर शोरी, मैंने अपना फैसला सुनाया है, आपसे केस आर्ग्यू नहीं किया है। जो आप इस तरह ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, अपनी हरकतों पर काबू रखिए, वरना अदालत की तोहीन करने के जुर्म में आपको डिसमिस करना पड़ेगा। आई एम सॉरी योर ऑनर। योर ऑनर, मैं इस गवाह को फिर से क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। हाँ बेटा, बेटा क्या ये सही है कि तुमने सिंथिया चौधरी यानी कि तुम्हारी माँ के एक्सीडेंट वाली रात में सम्मान चौधरी को ही गाड़ी चलाते हुए देखा था? हाँ। पर तुमने सम्मान चौधरी को कैसे देखा था बेटा, क्योंकि तुमने अभी कुछ देर पहले ये बताया कि उस वक्त तुम्हारी माँ ने तुम्हें धक्का देकर पीछे कर दिया था। फिर भी मैंने देखा सम्मान चौधरी गाड़ी चला रहे थे। ये क्या मतलब है, ये क्या तरीका है बच्चे को ट्रीट करने का? ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर शोरी, ये क्या बदतमीजी है? मैं बताता हूँ योर ऑनर। बेटा, जब मेरा ये हाथ तुम्हारे चेहरे के पास से गुजरा तब तुम्हें दिखाई दिया कि मेरे इस हाथ में क्या है? पता नहीं। यही मैं कहना चाहता था योर ऑनर। योर ऑनर,
जब मेरा हाथ उसके चेहरे से गुजरा तो मेरे हाथ में ये रुमाल उसे दिखाई नहीं दिया। तो फिर उस रात इतनी तेजी से गुजरती हुई गाड़ी में बंटी को ये कैसे पता चला कि वो सम्मान चौधरी है? उसने कैसे देखा सम्मान चौधरी को? नहीं, गलत है, झूठ है, ये झूठ कह रहा है। पापा मुझे घर जाना है, पापा, पापा मुझे घर जाना है, पापा मुझे घर जाना है। बंटी जस्ट काम डाउन, यू विल बी फाइन बंटी। डॉक्टर ऋषभ ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर ऋषभ, ओह आई एम सो सॉरी योर ऑनर, मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि मुझे कुछ और समय दिया जाए ताकि मैं डॉक्टर ऋषभ और बंटी से बात कर सकूं। यानी कि आप दोबारा रिसेस मांग रही हैं मिस आहूजा? यस योर ऑनर। ये नहीं हो सकता। प्लीज योर ऑनर, बंटी इस केस का अकेला आईविटनेस है और ओके, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, लेकिन याद रहे कि आपने सारा कोर्ट होल्ड करके रखा है। थैंक यू योर ऑनर। डॉक्टर ऋषभ, डॉक्टर ऋषभ प्लीज बंटी को इस तरह मत ले जाइए, उसे टेस्टिफाई करने दीजिए प्लीज। मुझे ये मालूम था कि कोर्ट के एक्सपीरियंस के बाद और सिंथिया के बारे में बात करके बंटी बहुत डिस्टर्ब हो, उसके बावजूद मैंने मुनासिब समझा कि बंटी यहाँ आके टेस्टिफाई करे सिर्फ सिंथिया के खातिर। और उस आदमी ने क्या किया है? सिंथिया अगर आज यहां होती और उसने देखा होता कि शौर्य ने क्या किया है बंटी के साथ, तो पता नहीं क्या हाल होता उस आदमी का। बदतमीज आदमी, व्हाट डज ही थिंक ही इज? बच्चे की उम्र का ख्याल नहीं है उसे? डॉक्टर ऋषभ आप समझने की कोशिश कीजिए कि शौर्य ने जो कुछ किया है बंटी को डराने के लिए किया है ताकि वो अपना बयान बदल दे और वो सम्मान को इनोसेंट करार कर दे। ओके फाइन, तो फिर उस वकील को जो करना हो करे, छूट जाए सम्मान, काकुल से शादी कर ले, जिसे जो करना हो करे। मैं तो खो चुका हूं सिंथिया को, अब उसे इंसाफ दिलाने के चक्कर में मैं अपने बच्चे के साथ ये सलूक होते तो नहीं देख सकता हूं? मैं अपने बच्चे को तो नहीं खो सकता? इस केस का चाहे जो होना हो बंटी टेस्टिफाई नहीं करेगा एंड दैट्स फाइनल। आ बंटी। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज मेंटेन द साइलेंस। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के लिए माफी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अकोमोडेटिंग मी। Proceed. अब प्रोसिक्यूशन अपनी सारी दलीलें खत्म करता है। No more witnesses. क्या प्रोसिक्यूशन जानता है कि वो क्या कह रहा है? Yes, Your Honor. डिफेंस को अपनी दलीलें और गवाह पेश करने की इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, पिछले कुछ दिनों से हमने इस कोर्ट में इस केस की जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, कहिए। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। ऑर्डर ऑर्डर, यू मे प्रोसीड मिस्टर सम्मान। जब सिंथिया भाभी, मेरा मतलब मिसेस सिंथिया चौधरी का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी मैं चला रहा था, काकुल मेरे बगल में बैठी थी और सुजीत जी पीछे बैठे थे, वैसा ही जैसा बंटी ने कहा है। पर तब मैं ये नहीं जानता था कि वो औरत सिंथिया भाभी है और वो बच्चा बंटी है। बस अचानक एक बच्चा गाड़ी के सामने आ गया, जिससे बचाते बचाते एक औरत मेरी गाड़ी से टकरा गई। मैंने ब्रेक्स मारने की कोशिश की मगर ब्रेक्स नहीं लगी, मैं डर गया था, मौके वारदात से मैं भाग गया। मैं गुनहगार हूँ, मैं अपना गुनाह कबूल कर रहा हूँ। यह अदालत मुझे जो भी सजा देगी मुझे मंजूर है। जज साहब, मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, ये किसी के दबाव में आकर ऐसा कह रहा है। वकील साहब कुछ करिए ना, मेरे बेटे को इस झूठ से बचाइए। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर शौर्य अपने क्लाइंट से कहिए कि वो अदालत के मामले में दखल ना दे, वरना मजबूरन मुझे उसे कोर्ट के बाहर भेजना पड़ेगा। आप बैठ जाइए। मिस्टर सम्मान, आप किसी दबाव या बहकावे में आकर तो ये इकबालिया बयान नहीं दे रहे हैं? नहीं जज साहब, मैं किसी के दबाव में या किसी बहकावे में आके ये बयान नहीं दे रहा हूँ। जज साहब, इस गलती के लिए मुझे जो भी सजा दी जाएगी वो कम है, मैंने गलती की। संध्या भाभी की मौत मेरी वजह से नहीं हुई, मगर मौके वारदात से भागने का गुनाह किया है मैंने। गाड़ी रोकने की कोशिश की मगर गाड़ी रुकी नहीं, और जब गाड़ी रुकी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। जज साहब, इसके आगे हम बताना चाहेंगे। मिस्टर भोंसले, मैंने इस आदमी को अदालत में ना आने का हुक्म दिया था। एक मिनट, जज साहब, हमें लगा था कि आपके लिए अपने हुक्म से ज्यादा किसी की जिंदगी का कीमत होगा। आधा सच आप सुन चुके हैं और पूरा सिर्फ हम बता सकते हैं जज साहब।
ठीक है, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जज साहब, सम्मान बाबू जो कर रहे हैं वो सच है, लेकिन पूरा सच नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हालात में वो एक्सीडेंट हुआ कि हम कभी जिंदगी में साबित नहीं कर सकते थे कि सम्मान बाबू निर्दोष थे। इस अदालत में चीख चीख के साबित कर दिया जाता कि सम्मान बाबू होश में नहीं थे, पी के गाड़ी चला रहे थे, केयरलेसली ड्राइविंग कर रहे थे। मगर हम कैसे साबित करते कि अचानक हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए? हम कैसे साबित करते कि अचानक एक बच्चा गाड़ी के सामने आ गया? कैसे साबित करते कि इतना अंधेरा था कि हमें कुछ दिखा नहीं? हम ये साबित नहीं कर पाते जज साहब, इसलिए हमने वो गाड़ी बिहार भिजवा दिया और सम्मान बाबू से कहा कि वो पुलिस स्टेशन जाके झूठा एफआईआर दर्ज कराए। तब तक सम्मान बाबू को ये पता चल चुका था कि जिनका एक्सीडेंट हुआ वो औरत सिंथिया जी थी, तो उन्होंने और काकुल ने ये डिसीजन लिया कि पुलिस स्टेशन जाके अपना जुर्म कबूल कर लेंगे, जिसके लिए हमने उन्हें रोका, क्योंकि हमारे सिवा कोई नहीं जानता था कि वो सिर्फ एक हादसा था, एक एक्सीडेंट था। कोई यकीन नहीं करता जज साहब, यहां उनकी एक गलती को एक बहुत बड़ा गुनाह बना दिया जाता, जैसे अभी भी यही किया जा रहा है। मगर उनके जमीर ने, उनकी गिल्ट ने उन्हें इतना कछुटा जज साहब के उन्होंने आत्महत्या करने का कोशिश किया। अगर हम सही वक्त पे बाथरूम का दरवाजा तोड़ के उन्हें वो करने से नहीं रोकते, तो आज एक बेगुनाह आदमी अपनी आत्मा अपनी गिल्ट के हाथों कुर्बान हो चुका होता। ये जो एक बेगुनाह आदमी को यहां क्रिमिनल साबित करने का कोशिश किया जाता है, वो नहीं करना पड़ता आप, वो बात अलग है, लेकिन इतने गिल्टी थे वो। सम्मान बाबू डिफेक्टिव पीस है आप आज के जमाने में, इतने सीधे, इतने सच्चे। जैसा हमें मालूम नहीं था कि ये इतने अच्छे हैं कि एक झूठ के बोझ तरह दफन हो जाएंगे, ये मालूम नहीं था। एक गिल्ट की वजह से इतने इतने दिनों से एक पल चैन से नहीं गुजारा इन्होंने, ये हम जानते हैं। इसलिए आज इनके कबूल करने के बाद हमें ये सब बताना बहुत जरूरी था जैसा, क्योंकि उस वक्त भी हम एक सच्चे आदमी का साथ दे रहे थे और आज भी एक सच्चे आदमी का साथ दे रहे हैं। फिर भी हम अदालत से बार बार यही कहेंगे कि इसमें सम्मान बाबू का कोई दोष नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है, जानबूझ के कार के ब्रेक टेंपर किए गए, ये हम जानते हैं। जैसा ये आप कैसे कह सकते हैं? जैसा जिस एजेंट को हमने गाड़ी भेजा था बिहार, उसने खुद ने फोन करके हमें बताया, उसने बताया कि गाड़ी का ब्रेक फ्लूइड पाइप काट दिया गया था, जिसकी वजह से उसका ब्रेक ऑयल लीक होने लगा और 4-5 किलोमीटर के बाद ब्रेक फेल हो गया, ये उसने खुद ने बताया हमें। ये सब सुनने के बाद अब आप जो सजा देना चाहें हमें मंजूर। Your Honor, मैं मिस्टर सुजीत से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। इजाजत है? थैंक यू। मिस्टर सुजीत, आपने अभी जो कहानी सुनाई हम सबको, ब्रिलियंट, वेरी कन्विंसिंग। इनफैक्ट आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके मुंह से हर शब्द जो निकला है वो सच्चाई से भरा है। बट आई डोंट नो व्हाई, मेरे दिमाग में एक छोटा सा डाउट है। एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि गाड़ी के ब्रेक्स सिर्फ मुंबई में ही टैम्पर किए गए थे और बिहार में नहीं, ताकि आप कोर्ट को गुमराह कर सकें, अपने हिसाब से कहानी को ट्विस्ट कर सकें, अपनी सहूलियत के हिसाब से सच्चाई छुपा सकें। हाँ सिमी जी, अब सम्मान बाबू ने सब कुछ कबूल कर लिया है तो फिर आप ही रीजन भी बता दीजिए हमारे ये कहानी बुनने का, क्योंकि उसका तोड़ अब है नहीं हमारे पास, बिकॉज द बॉल एंड माइसेल्फ आर इन योर कोर्ट। फिर भी पता नहीं क्यों मिस्टर सुजीत, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे आप पर विश्वास करना, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार कोर्ट से झूठ बोल चुके हैं और आप पर मुकदमा भी जाहिर हो चुका है। मिस्टर सम्मान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन फिर भी आप ये ड्रामा कर रहे हैं ताकि उनकी सजा कम कर दी जाए और ये कोर्ट के सामने एक हेल्पलेस विक्टिम की तरह पेश हों, जबकि सच्चाई ये है कि मिस्टर सम्मान ही गाड़ी चला रहे थे, इन्होंने ही मिसेस सिंथिया चौधरी को घायल किया और मौका वारदात से भाग गए। और ये बात सिर्फ मिस्टर सम्मान ने ही कबूल नहीं की है, आपकी बहन काकुल भी मान चुकी है। योर ऑनर, ये एक रैश ड्राइविंग का क्लियर केस है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोर्ट का और हम सब का वक्त जाया ना करते हुए और बंटी के बयान को नजर में रखते हुए
मुलजिम सम्मान को उनकी सजा सुनाई जाए। अब मेरा सिर्फ एक ही काम बचता है, कल कोर्ट के फैसले तक इंतजार करने का। बच्चा सम्मान, अगर आपको ये सब बातें बतानी ही थी तो फिर मुझे क्यों बुलाया? ये कन्फेशन तो आप पहले भी कर सकते थे। आखिरकार सच्चाई की जीत हो ही गई ना सम्मान। जीत सच्चाई की नहीं हुई है काकुल, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। प्लीज माँ, चलिए चलिए घर चलिए। एक मिनट मिस्टर सम्मान, आप अभी नहीं जा सकते, आपकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होगी। आप लोग आधा घंटा यहीं रुकिए, आपके कन्फेशन के आधार पर मैं जज साहब से आपकी बेल मंजूर करवा के आता हूँ। मिस्टर सुजीत, मुझे नहीं मालूम था कि आखिरी वक्त पर आप भी पलटी मार जाएंगे। सॉरी साहब, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनमें पैदाइशी सस्पेंस एलिमेंट होता है, तो हम क्या हैं, अपने करेक्टर के हाथों मजबूर हैं, तो क्या करते ओके आलसी जी। थैंक यू सुजीत जी, जो आप वापस कोर्ट में आ गए, थैंक्स अ लॉट। सम्मान बाबू लौटते कैसे नहीं, एक झूठ को सच साबित करने के चक्कर में इतने लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, बंटी जैसे बच्चे को हरस किया जा रहा था, तो लौटते कैसे नहीं। जब जब हमारे अपनों पे आंच आएगा ना सम्मान बाबू, हम दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, हम लौट आएंगे। झूठे मक्कार, तुम्ही ने कहा था ना कि मैं सम्मान और काकुल की शादी कर दूं। इसके लिए मैं अपने पूरे परिवार से लड़ी, अपने बेटे ऋषभ की दुश्मन बन गई, अपने पति की नजरों से नीचे गिर गई। चाल थी ना तुम्हारी हमारे परिवार से बदला लेने की। माँ ये क्या हो गया आपको, क्या बोलती जा रही हैं आप? तूने कोर्ट में सुना नहीं, काकुल, सुजीत, श्लोक और वंशिका ये सब मिलकर तुझे मोहरा बना रहे हैं हमारे परिवार को तोड़ने के लिए। मामी जी चुप रहो, और खबरदार जो मुझे दोबारा मामी जी कहा तो, एक बात कान खोलकर सुन लो, अब मेरे बेटे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो ऋषभ अपने भाई को एक ना एक दिन तो माफ कर देगा। काकुल, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सच कह रहा हूँ। मुझे मालूम है बेटा, लेकिन अब हमारे घर वाले ही तुम्हें झूठ साबित करना चाह रहे हैं। बंटी की सच्चाई को कोई झूठा साबित नहीं कर पाया ऋषभ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में अम्मा से मिलने चला आया था, ये जानकर बहुत खुशी हुई ऋषभ की बंटी ने सम्मान को अपना गुनाह कबूल करने का हौसला दिया। दादी कहाँ हैं? अपने कमरे में बेटा, ईश्वर से प्रार्थना कर रही। मैं दादी के पास जा रहा हूँ। बेटा अगर तुम मुझ पर अपने पापा पर विश्वास करते हो तो मैं ये हमेशा चाहता था ऋषभ की सम्मान अपना गुनाह कबूल कर ले, लेकिन तुम्हारी माँ की जिद के सामने। क्योंकि माँ ने जिद, कोई तो वजह रही होगी, मेरे साथ ऐसा गैरों जैसा बर्ताव क्यों? आज ही हम लोगों को दिन देखना पड़ा है कि एक बाप अपने ही बेटे के सामने गुनहगार बन के खड़ा है। ऋषभ, मैंने और बंटी ने सिंथिया को खोया और सारे घर ने हमें पराया कर दिया सिर्फ इसीलिए कि सम्मान को सजा न मिले। मैं बड़ा भाई हूं उसका पापा, क्या मुझे इस बात से खुशी मिलती कि सम्मान को सजा मिल रही है? आप लोगों से अलग होके कैसे दिन काटे हैं मैंने और बंटी ने, उसका एहसास है आपको? क्या गुजरी होगी मेरे दिल पे जब मैंने आपसे आके कहा होगा कि आप लोग मेरे लिए। मैं वाकई मर रहा था तुम्हारे बगैर बेटा, मैं वाकई मर रहा था, जीते जीते जी मर रहा था ऋषभ।
really proud of you, Samman. And I'm really thankful to you. काकुल चाहे अब जज जो भी सजा दे, मगर आज मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, और ये तुम्हारी सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होता. थैंक्स अ लॉट. लेकिन सम्मान, अब मम्मी जी को क्या कहेंगे? आपने देखा ना उन्होंने कैसे रिएक्ट किया. काकुल तुम मम्मा की चिंता मत करो, मम्मा को मैं संभालूंगा. बस मुझे ये भरोसा दो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी. सम्मान, हम तो हर कदम पर हमेशा से आपके साथ रहे, और आगे भी हर कदम सिर्फ आपकी खुशी के लिए उठाएंगे. मैं जानता था. अंदर नहीं चलेंगे कि यहीं बैठने का इरादा है? नहीं काकुल, अंदर नहीं आऊंगा. वो क्या है कि आज ऋषभ भैया से मिलने का बहुत मन कर रहा. ठीक है, फिर आपको नहीं रोकेंगे. I love you. Love you too. Bye. तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा, भले ही थोड़ी देर से किया, लेकिन बिल्कुल सही किया. थैंक यू पापा. पापा अगर ऐसा नहीं करता तो इस बोझ से मेरा सर फट जाता. आज मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना हल्का महसूस कर रहा हूं. समझ सकता हूं बेटा, समझ सकता हूं. कौन है पापा? भैया, 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 मैंने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया है. अब आपके सामने अपना गुनाह कबूल करता हूं भैया. आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है भैया. जो मुझे सजा देंगे मुझे मंजूर है भैया. भैया मुझे मारिए, मुझे पीटिए भैया. भैया मुझे यूं पराया मत कर दीजिए भैया. मुझे मुंह मत फेरे भैया. मुझे मारिए भैया, मैं आपका गुनहगार हूं भैया. भैया मुझे मारिए पीटिए भैया. जो सजा देंगे मुझे मंजूर है भैया. सम्मान उठो. मुझे मारे भैया, आपकी नफरत का हकदार हूं भैया. मुझे मारे भैया, मुझे मारिए भैया, मेरी वजह से. समान, एक बार तो मारा था कसके, खुद ही को चोट लगती है यार. पागल इतना बड़ा होकर रोता है. थैंक्स बंटी, थैंक्स अ लॉट. आज तुमने कोर्ट में सच बोल के मुझे इंस्पायर किया कि मुझे भी सच बोलना चाहिए. आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी गलती, अपना गुनाह कबूल कर पाया हूं बंटी. अब कोर्ट या जज चाहे मुझे जो भी सजा दे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर बस ये बंटी, एक बार अपने इस नालायक चाचू को माफ कर दे तो. बंटी बेटा, माफ कर दे अपने चाचू को. मालूम है माफ करने वाला बहुत बड़ा होता. लेकिन मैं चाचू से बड़ा कैसे हो सकता हूँ? तुम मुझसे बड़े हो बंटी, मुझसे बहुत बड़े हो, क्योंकि तुम में सच बोलने की हिम्मत है, ताकत है. बहुत बड़े तुम मुझसे, और सच से बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता. इनफैक्ट तुम तो मुझे इंस्पायर करते हो सच बोलने के लिए. सॉरी बंटी, प्लीज फॉरगिव मी. मम्मा ने आपको फॉरगिव किया, मैंने भी आपको फॉरगिव किया. थैंक्स बंटी, थैंक्स अ लॉट. इट्स ओके चाचू. हाय. तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, रात होने को है और दिन में जो खुशी मिली उसे सेलिब्रेट करने मैं यहाँ चली आई. बार कहाँ है? वहाँ. गुड. Thank you.
एक्स्ट्रा सक्सेस। श्लोक, क्या सम्मान के जेल जाने से तुम्हें खुशी नहीं हुई? काकुल और सम्मान को अलग करने का हमारा मिशन नहीं था? नहीं। What? मेरा मिशन सम्मान और काकुल को अलग करने का नहीं था, उन्हें मारकर अमरनाथ परिवार को रलाने का था। लेकिन मौत किसी और की हो गई। मातम तो किसी हाल में हुआ ही ना। वंशिका, मैं तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट समझता था, लेकिन तुम बेवकूफों जैसी बात कर रही हो। क्या तुमने वो कहावत सुनी, ट्रेजेडी यूनाइट्स पीपल? सिंथिया की मौत से वही हुआ, नफरत में प्यार और गहरा हो जाता, और यही हुआ। और तुम यहाँ बेवकूफों की तरह सेलिब्रेट करने आई हो। श्लोक, तुम क्या कह रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वंशी का सम्मान हीरो बन गया, अपना गुनाह कबूल करके सबकी नजरों में ऊंचा उठ गया, और तुम यहाँ उसकी जेल जाने की उम्मीद में खुश हो रही हो। ये मत बोलो, अगर सम्मान को लंबी सजा लग जाती है तो काकुल उसके बाहर आने का इंतजार करेगी, और फिर दोनों एक हो जाएंगे, और फिर सम्मान के घर में फिर खुशियां लौट आएगी। यू आर राइट। अब हम क्या करें? लाओ मेरा फोन दो। क्यों? काकुल से बात कर। काकुल से क्यों? और एक कहावत सुना था, और थोड़ा तभी मारो जब लोहा गर्म हो। मतलब? जस्ट वेट एंड वॉच। मुझे पैसे नहीं, कुछ और चाहिए। अगर तुम्हें सम्मान को निर्दोष साबित करना है तो आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी होगी। मामी जी प्लीज, हम कब से सम्मान का फोन ट्राई कर रहे हैं, उनका फोन नहीं लग रहा है, प्लीज उन्हें फोन दीजिए। सेल फोन ऑफ आ रहा है, तो जाहिर है वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। फोन रखो।